Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Itinamine Namaste Sarasat Deve Gauravani Prasarine Nirvishesha Shunyavadi Paschadde Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaurabhaktavinoda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
काचित कोई गोपी मधुकरं भवरे को दृष्ट्वा देखकर ध्यायन्ति जो पहले ध्यान कर रहे थे कृष्ण संगमम कृष्ण का साथ प्रिय प्रस्थापितं प्रियतम श्री कृष्ण के द्वारा प्रस्थापित प्रेषित दूरतम दूत कल्पयित्वा कल्पना करके यह अब्रवीत बोली कोई गोपी जो कृष्ण संगम का ध्यान कर रहे थे वह एक भौरे को देखकर यह कल्पना की कि हमारे प्रियतम श्याम सुंदर के द्वारा भेजा हुआ यह दूत है उस भ्रमर से इदम अब्रवीत यह बात कहने लगी गोपी वाचा काचित से संबंध कोई गोपी बोली विश्वानंदिनी श्री राधा रानी भ्रमर से इस प्रकार बोलने लगी मधुपा अरे मधु पीने वाले मदिरा पीने वाले हे भ्रमर कितव बंधो तुम धूर्त के साथी हो श्री कृष्ण बड़े धूर्त हैं छलिया हैं और उनके तुम बंधु हो क्योंकि उनका दूत बनकर आए हो मत छुओ अंग्रेम मेरा चरण मत छुओ प्रणाम करना है तो दूर से प्रणाम करो सपत्न्या मेरी सौत के कुछ विलोलित दोनों स्तनों से मछली हुई माला कृष्ण की वनमाला पर मेरे सौत के कुमकुम लगे हैं उस वनमाला पर तुम बैठ करके आए हो अतः समस्तुभि ही तुम्हारे मूछ पर कुमकुम लगा हुआ है नहा हमारी सौत के इस बात बहतो वहन करें प्राप्त करें मधुपति जादव विशेष के पति जादवों के पति तन्मानिनी नाम मथुरा की
मथुरा के माननीयों को कहा प्रसादम प्रसन्नता कह दो उनसे कि मथुरा की स्त्रियों को मनाया करें और उनका प्रसाद प्राप्त करें जदु सदस्य जादवों की सभा में विडम्बियम विडम्बना होगी श्री कृष्ण का अपमान होगा जिनके दूतः दूत बने हो तुम इद्री ऐसा बुद्धू व्यक्ति अभिवेकी मनाने आए हो और सौत का केसर लगा करके आए इससे कोई माननी मानती नहीं और कुपित होती है ये भ्रमर से राधा रानी बोल रही है असली भ्रमर गीत आज चालू हो रहा है इस किताब का नाम है भ्रमर गीत यहाँ से प्रारंभ हो रहा है कभी कभी लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि भ्रमर गीत क्या है भंवरा कुछ नहीं गाया है भ्रमर को देख करके राधा रानी ने कुछ कहा है यही भ्रमर गीत है और इससे संबंधित उद्धव जो भी संदेश दिए नंद बाबा को और गोपियों ने जो कुछ भी कहा उद्धव जी से ये सारा प्रसंग ही भ्रमर गीत है भ्रमर गीत भंवरे का गाया हुआ गीत नहीं भंवरे से कुछ बातें कही हैं गाई हैं राधा रानी उसको भ्रमर गीत कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि काचित मधुकरम दृष्टा ध्यायन्ति कृष्ण संगमम प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पे प्रेमाब्रवीत वृषभानंदिनी श्री राधा रानी कृष्ण संगम का ध्यान कर रही थी इसमें महाविरह में है लेकिन सपना में देखी होंगी या स्फुरना में कृष्ण के साथ है किस प्रकार वृंदावन में विहार करती है उसी का ध्यान कर रही थी एकदम संयोग सुख का आस्वादन कर रही थी अथवा मथुरा की स्त्रियों के साथ श्री कृष्ण विहार कर रहे हैं यह ध्यान कर रहे थे अथवा ब्रज में ही किसी के साथ श्री कृष्ण हैं विहार कर रहे हैं और जैसे चंद्रावली से हैं इसका ध्यान राधारण कर रहे थे और इसका ध्यान आने पर वो रूठ करके बैठ गए थे ध्यान में ये सब लीला देख रहे थे कृष्ण का संगम किसके साथ संगम ये नहीं बताया जा रहा है ध्यायन्ति कृष्ण संगम कृष्ण किसी मथुरांगना के साथ या ब्रजांगना के साथ कुंजों में घूम रहे हैं गीत गा रहे हैं बांसुरी बजा रहे हैं और विविध विहार कर रहे हैं इसका ध्यान कर रहे थे तो अथवा अपने साथ ही वो विहार कर रहे हैं इसका ध्यान कर रहे थे लेकिन किसी बात पर स्फुरना नहीं या स्वप्न नहीं किसी बात से रुष्ट हो गए कृष्ण से और बैठ गए मैं आपके साथ नहीं चलूंगी ये तो महाविरह है महाविरह में भी ये संयोग का स्फुरना हो रही थी कि मैं कृष्ण के साथ हूँ फिर मान कर बैठे तो ज्यादातर यही लगता है कि मथुरा के
किसी स्त्री के साथ कृष्ण के विहार की कल्पना कर रही है, कल्पना कर रही है कृष्ण किसी न किसी स्त्री के साथ होंगे। तो राधा रानी में मदीय भाव है, श्री कृष्ण मेरे हैं। तो प्रायः राधा रानी मानवती हैं, मान करती रहती हैं, और श्याम सुंदर कई प्रकार से श्री राधा रानी को मनाया करते थे। प्रतिदिन कुछ न कुछ टाइम मनाने में लगता था, इतना प्रिय है राधा रानी का मान कि भगवान को परम सुख देता है उनका मान, मान करती रहती है। मान बहुत ऊंची भूमिका है भगवान के प्रेम में। इस जगत में भी मान देखा जाता है, कभी कोई छोटे छोटे बच्चे अपने माँ से रूठे मनाती है उठाती है, नहीं जमीन पर लौट जाते हैं और उनके कहने का भाव है कि अब मैं नहाऊंगा नहीं खाऊंगा नहीं और ऐसे ही अनशन करूंगा। तो उसको मनाने में भी एक सुख मिलता है, अगर थोड़ी ही देर में मान जाए तो अच्छा लगता है कि नहीं। और किसी की क्रिया पत्नी मान करे तो उसको भी मनाने में पति को या प्रेमी को आनंद आता है, रूठना अच्छा भी लगता है, ज्यादा रूठ जाए तो खराब भी लगता है। कुछ लोग के व्यवहार से भगवान के भक्ति के संबंध को समझना चाहिए। श्री राधा रानी का मदीय भाव है और रुक्मिणी जी का भाव तदीय भाव, मैं उनकी हूँ। अगर वे कुछ बोल दिए कि उदास तो उसे गिर पड़ी रुक्मिणी जी, हाय अब हमको नहीं रखेंगे नहीं करेंगे, तो गिर गए थे। लेकिन राधा रानी इस भाव की नहीं है, कृष्ण पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं कृष्ण मेरे हैं। बहुत गर्वीली है, गुणगर्वीली श्री राधे, गर्व में रहते हैं। गर्व किस बात का गर्व? कृष्ण प्रेम का गर्व, कृष्ण हमारे वश में है। इन सब बातों को समझने के लिए बहुत पूर्व तैयारी चाहिए, मतलब वर्षों आचार्यों के सिद्धांत को सुनना पढ़ना। सुखदेव गोस्वामी रसिक शिरोमणि हैं, वही इस रहस्य को प्रकट किए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम में। तो कहते हैं काचित कोई गोपी, कोई गोपी का क्या अर्थ है? सर्व प्रधाना सर्वश्रेष्ठा गोपी वो वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी है। इस प्रकार से जो ध्यान कर रहे थे कि श्री कृष्ण मथुरा में किसी मथुरा बाला के साथ विहार कर रहे हैं, ये महाविरह में भी यहाँ मान कर रही है। विरह में मान नहीं होता है, संयोग में मान होता है, लेकिन विरह में भी मान की मान करके बैठे हैं। और उद्धव जी गोपियों के समाज में ही बैठे हैं, तो राधा रानी जानती हैं, उनको कुछ बातें भी बोली थी उद्धव जी से, और उद्धव जी समझा रहे हैं। उसी समय क्या हुआ कि एक भौंरा राधा रानी के चरण कमल के सौरभ से सुगंध से मुग्ध होकर के उनके चरणों का स्पर्श करना चाहता, चरण में बैठा था, क्योंकि राधा रानी का चरण है एक परम सुंदर कमल की तरह है, बहुत कोमल और बहुत सुगंधित सुकुमार,
तो चरण के सौरभ के लोभ से प्रिया जी के चरण में वो लौट रहा था, आ रहा था। तो उसको देख करके राधा रानी ने सोचा हमारे प्रिय श्याम सुंदर मुझको मनाने के लिए ये दूत भेजे हैं जो आकर के चरण में गिर रहा है। प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वा, कल्पयित्वा तो मान करके प्रियतम ने दूत भेजा है और दूत आकर के यहाँ पर चरण में गिर रहा है। वो भन 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 करता है, घोड़ा अपने जाति का स्वर कर भन भन भन। तो राधा रानी ये मान रही है कि आ करके क्षमा करा रहा है और चरण में गिर रहा है कि हे स्वामिनी जी, श्री कृष्ण आपके विरह में बहुत दुखी हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए हमको भेजे हैं, कृपया आप प्रसन्न हो जाइए। ये सब कल्पना है, मन में राधा रानी ऐसा मान रहे। बारम्बार घनघन घनघन गा रहा है तो उसी को ऐसा समझ रहे हैं कि हमको मना रहा है। हे श्री राधे, श्याम सुंदर से बड़ी चूक हुई लेकिन वे आपके विरह में दुखी हैं, आप मान जाइए। तो भौरे को इस तरह से दूत मान रहे, अथवा उद्धव जी आए हैं भगवान के दूत बन करके, इस कारण चरण में लुटते हुए भौरे को देख करके बोलती हैं, लेकिन बोल रही हैं उद्धव जी के लिए। उद्धव जी सुन रहे हैं, इसको बहाना कहते हैं, बात कर रहे हैं उद्धव जी से लेकिन भौरे से बात कर रहे हैं। तुम ऐसे अविवेकी दूत हो, आ गए, तुम कैसे आए? जब भेजना मान गए, प्रसन्न है गए हम पर और हमको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनको आकर के चरण में गिरना चाहिए ना, तुम क्यों आए हो? कोई भी बात भ्रमर बोल रहा था तो ये समझ रहे थे, अथवा उद्धव जी के प्रति कह रही है, भौरे का बहाना कर। इस प्रकार से परम प्रेम की उच्चतम भूमिका पर महाभाव में श्री राधे, श्री राधे महाभाव। भगवान के प्रति जो प्रेम होता है तो उसको भाव कहते हैं। और पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में श्री कृष्ण के प्रति सबसे बड़ा भाव, सबसे बड़ा प्रेम राधा रानी ने, उसको महाभाव कहते हैं। महाभाव में श्री राधा है, वे चाहे उद्धव से या चाहे साक्षात भगवत से ही यह बात कह रही। गोपी वाच, यहाँ पर काचित से भ्रम में नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यदि राधा रानी होती तो राधा वाचक क्यों नहीं दिखाएंगे, क्या जरूरत है? गोपी वाच, गोपी बोली, मधुपा अरे भौरा, अरे भ्रमर, इसका अर्थ शेष अर्थ हुआ अरे मद्य, अरे मद्य पीने वाले। मधुकर मधु पीते हैं ना, मधु का अर्थ है फूलों का पराग, मधु माने हनी, और मधु का अर्थ होता है मदिरा, पाव का अर्थ पीने वाला, मधु पाव। अरे घोड़ा, अरे मद्य, तुम कितव बंधो, कितवस्य श्री कृष्णस्य बंधु, तुम श्री कृष्ण के बंधु हो और श्री कृष्ण क्या है? कितव है, कितव माने धूर्त कपटी। क्या कृष्ण हे स्वामी जी, कृष्ण क्या कपट किए हैं आप लोगों के साथ, क्या कपट किए हैं?
रस लीला के समय कहे थे कि न पारे हम निर्वध संयम स्वसार भूपितम दुर्धा दुर्धाय सात्व या मैं भजन दुर्दर्भे श्रृंखला समृष्ट करवा पति अर्थ साधना आयास से नंदगांव से जो मछर गा रहे थे अपने दूत के मुख से कहवाए कि मैं आऊंगा आए नहीं और कहे कि देवता जैसे आयु प्राप्त करके मैं तुम्हारी सेवा करूँ फिर भी उस सेवा को बदला चुका नहीं सकता मैं तुम्हारा ऋणी हूँ सदा ऋणी रहूंगा। इन सब वचनों को तोड़ करके और भाग गए मथुरा क्या वे कुट्टी नहीं है कीतल नहीं है धूर्त नहीं है कीतल साठ धूर्त चरण में गिर कर कहते हैं कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मैं रासलीला में थोड़ा छिप गया तो परोक्ष में रह करके तुम्हारी बातें सुन रहा था और एक दिन मथुरा चले गए और आए नहीं कहे थे आयास से मैं आऊंगा पर आए नहीं अपने वचन को जो तोड़ता है वह है धूर्त कपटी और कपटी के तुम मित्र हो मैं क्या मित्रता कर रहा हूँ तो कुछ बोलता है भ्रमरा तो राधा रानी कहती है तुम दूत तुम उसका दौत्य कर रहे हो दूत बन करके आए हो क्या ये मित्रता नहीं है तुम कपटी हो और कपटी के सखा हो भ्रमरा फिर भी चरण पर ही गिर रहा है कुछ गुनगुन कर रहा है तो उसको राधा रानी समझती हैं कि ये हमको मना रहा है तो वो कहते हैं मास पैसा अंग्रेज पहले दूर चलो मेरे चरण मत छुओ देखते हो कितना सुंदर चरण है इसको छुओ मत छुओगे तो अपवित्र हो जाएगा शराब पी करके आया है चरण छुआ है मदरा पीकर है तुम बहुत अशुद्ध हो दुष्ट हो हमारे चरण मत छो अंग्रिम मांस पिसो मां माने नहीं चरण मत छो यदि प्रणाम करना ही चाहते हो तो थोड़ा दो तीन मीटर दूर जाकर प्रणाम करो ये कहने का दूर से प्रणाम करो चरण मत छो स्वामिनी जी आप हमको क्यों अशुद्ध कह रही हैं अशुद्ध है तुम अशुद्ध ही नहीं महादुष्ट हो हमारी सौत के चिन्ह को लेकर के आए हो और हमको मनाने के लिए इतना अविवेकी दूत कहाँ क्या लेकर के जाना चाहिए और क्या लेकर के आए हो सपत्ने हाँ सपत्ने का अर्थ है सौत अब कृष्ण से जो भी संबंध रखे वो तो राधा रानी उसको सौत समझती है तो हमारी सौत के दोनों कुचों से स्तन से श्री कृष्ण की वनमाला कुचली जाती है कुचली हुई थी और हमारी सौत के स्तनों पर केसर लगा है तो केसर कृष्ण के वनमाला में लग गया है ये सब कल्पना कर रही है श्री राधा रानी के अलावा उधर मछुआ किसी से कोई संपर्क नहीं था लेकिन प्रेम का ऐसा स्वभाव होता है वो कल्पना कर रहे हैं कि श्री कृष्ण किसी या किन्हीं कई स्त्रियों के साथ संपर्क किए हैं और उससे मिले हैं गाढ़ आलिंगन किए हैं तो गाढ़ आलिंगन करने से श्री कृष्ण की वनमाला हमारी सौत के स्तनों से मर्दित हुई है और उसके स्तन का
केसर लगा है माला में और उसी माला पर बैठ करके आया है, तो इसके मूछ में पीला 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 केसर लगा है। भौरे का जो मूछ होता है तो वो स्वभाव से ही पीला होता है, उसमें केसर नहीं लगा होता है। पर राधा रानी जब सब कुछ कल्पना में ही बोल रहे हैं तो कहते हैं तुम्हारी मूछों पर जो पीला केसर लगा है तुम्हें जानती हूँ कहाँ का है। हमारी सौत के कुछों से स्तनों से धूर्त कृष्ण की वनमाला विलुलित हुई है, बी विशेषण लुलित, लुलित का अर्थ होता है बिल्कुल पिस जाना। इतना गाढ़ हलिंगन किए हैं कि उससे वनमाला पिस गई है, विलुलित हो गई है। और सौत के हमारी सौत के स्तनों का केसर उसमें लगा और वह उसी पर तुम बैठ करके आए हो और वो पीला पीला केसर तुम्हारे मुँह में लगा हुआ है। ये महाभाव है, महाभाव में क्या से क्या व्यक्ति सोचता है। ये महाभाव केवल भावुकता मात्र नहीं है, इसलिए हमको जलाओ मत। हमारी सौत के केसर को लगा करके आए हो और प्रणाम कर रहे हो, इसलिए मैं कहे कि तुम केवल अशुद्धि नहीं हो, महादुष्ट हो। ऐसा दूत बने हो श्री कृष्ण का, जस दूतस्तम ईद्रिक, इतना बेवकूफ इतना अविवेकी कैसे जाना चाहिए। जब मनाने की इच्छा थी तो हमारी सौत के चिन्ह को लेकर के आए हो मनाने के लिए और मैं जल रही हूँ, इसलिए हमारे चरण मत छोड़, इसमें अपवित्र आ जाएगा, अपवित्रता आ जाएगी, तुम दूर रहो। तो दूत फिर भी गा रहा है, भंवरा कुछ न कुछ कह रहा है, तो राधा रानी समझते हैं क्या कहा। घोड़ा कहता है स्वामी जी ठीक है आप हमसे नहीं मानेंगे, हम जा रहे हैं मथुरा और श्याम सुंदर को बहुत समझा करके आपके पास भेजेंगे कि आप जाकर के मनाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ मथुरा और मथुरा में जाकर के कहूंगा कि आप जाकर के मनाएंगे। तब राधा रानी कहते नहीं नहीं उनको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, उनको कह देना कि मथुरा की माननीयों को मनाया करें, वहां मनाया करें। हम तो गोपी हैं ना, हम तो निकृष्ट जाति की हैं, क्षत्रिय क्षत्रियों की जादवों की स्त्रियां वहाँ उनको उनको बहुत मिली हैं, मैं समझती हूँ। तो उन्हीं लोगों को मनाया करें, उनके चरण में गिरा करें, जो भी करना है उनसे करें और उनका प्रसाद बहन करें, वे प्रसन्न होंगे। तो उनकी प्रसन्नता को हमारी प्रसन्नता में क्या है, हम तो गोप जाति के हैं, निकृष्ट हैं, उत्कृष्ट जादवों की स्त्रियां हैं। गोप में और जादव में बहुत अंतर है, दादा रानी के कहने का भाव ये है। तो हम लोग तो गोपी हैं, हमको मना कर क्या करेंगे, जाकर क्षत्रियों की स्त्रियों को मनाया करें। और बहुवचन का प्रयोग करें, एक क्षत्रिय की स्त्री नहीं, बहुत बहुत स्त्रियां, तो जाकर कह दो। और मनाने में वे फंसे ही हैं और ऐसे फंसेंगे कि उनको अवसर कहाँ होगा कि वे आएंगे यहाँ। कई स्त्रियां होंगी तो एक को मनाएंगे तब तक दूसरी उठ जाएगी, उसको मनाएंगे तब तक तीसरी उठ जाएगी। इस तरह मनाने में ही उनका 24 घंटा लगेगा, बीतेगा कई दिन। तो स्त्रियों को मनाया करें, वो भी उच्च कुल की क्षत्रिय स्त्रियां हैं। हम निकृष्ट वंश में जन्मे हुए गोपियों से उनको क्या मतलब है। अब तो ये राजा बन गए हैं मथुरा में, अब यहाँ क्या करने आएंगे। यहाँ ये तो नंद बाबा वही गाय चराने के लिए भेज देंगे, अब तो इस दृष्टि से भी उनको नहीं आना था, कोई जरूरत नहीं। बहुत मधुपति स्तन माने नहीं मानते, अब तो मधुपति हो गए हैं, जदुपति हो गए हैं, तो उन्हीं स्त्रियों को मनाया करें। जदु सदस्य विडम में और जादुओं की सभा में एक दिन श्री कृष्ण की
श्री कृष्ण का बहुत तिरस्कार होगा, उन लोगों की स्त्रियों के साथ रहने लगे। वे सोचेंगे कि ये क्षत्रिय क्षत्रियों की स्त्रियों से हमारी स्त्री के साथ रह रहा है, ये गोप वृंदावन का चरवाहा आकर के मथुरा में राजा बन गया और हम लोगों की स्त्रियों को अपने बस में किया है। एक दिन लोग एक्शन लेंगे कृष्ण से, उनके धर्म का लोप कर रहे हैं। राजा रानी के मन में कहने की बात है, सबसे अच्छा यही होता है कि वे ब्रज में रहे, यहाँ अपनी जाति के लोग हैं और वहाँ क्षत्रियों की सभा जादों की सभा में एक दिन उनका बहुत बड़ा तिरस्कार होगा, बदनामी होगी। तो हम में क्या दोष है, आप इतना मेरा परिवार कर रहे हैं, परिवार कर रही है, हमारी निंदा कर रहे हैं, हमने क्या गलती की है? तो उसी का जस तुम दूतस्तमिद्रिक, जिनके दूत तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो तो वो भी ऐसे ही हैं। तुम अपने को ही देखो कि कहाँ आए हो और किस भेष में आए हो, मनाने आए हो ना, इसी तरह से मनाया जाता है। अपने मुँह पर सौत का केसर लगा करके आए हो और कहते हो कि मान जाए, मान जाए, मैं नहीं मानने वाली हूँ, तुम जा रहे हैं। तो श्री राधा रानी का ये मान बहुत प्रिय है भगवान को और मनाया करते हैं। इस विषय में कोई पद है, कभी कभी श्री कृष्ण राधा रानी को मनाते हैं तो राधा रानी बहुत ज़्यादा देर तक मान किए रहती हैं। तो सूरदास जी के शब्दों में भगवान कहते हैं, इतव श्रम नाहीन तब हूँ भयो। भगवान कहते हैं कि मैं बहुत बहुत अवतार लिया, बहुत बहुत बड़ा बड़ा काम किया, लेकिन हे श्री राधे, तुमको मनाने में जितना परिश्रम पड़ा उतना परिश्रम और किसी भी अवतार में कोई भी काम करने पर नहीं पड़ा, बहुत परिश्रम पड़ा। राधा रानी मान ही नहीं रही थी, तो मनाने में परिश्रम पड़ रहा है। श्याम सुंदर रोने लगे मनाते मनाते, लेकिन नहीं माने। तब कहते हैं, इतो श्रम नाहीन तब हूँ भयो, इतो श्रम नाहीन तब हूँ भयो, सुन राधिका जितो श्रम तुमो को, सुन राधिका के, सुनो जितना श्रम मुझको तुम्हारा ये मान दिया, इतना परिश्रम तबहुन नहीं भयो, तबहुन इतो श्रम नाहीन तबहुन भयो, कब कब इतना परिश्रम नहीं हुआ, इतना मेहनत मुझे नहीं लगा। धरनी धरी विधि वेद उधारो, धरनी धरी श्रम नाहीन तब हूँ